हजारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और आज हम आए हैं हाजीपुर में। भाई हाजीपुर जो है वो सबसे हॉट सीट में से एक माना जाता है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में भी, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवार एनडीए ने खड़ा किया है, भैया नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं अपने आप को चिराग पासवान जी, हाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान। अब देखिए कि वैसे तो हाजीपुर जो है वो पूरा गढ़ रहा है उनके पिताजी का यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और यहाँ पर जहाँ देखिए वहाँ पे उनके पिताजी का हस्ताक्षर नजर आता है। यहाँ के जो लोग हैं उनको अपना परिवार समझ के यहाँ से हमेशा उनको जो है जिताया है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की कितनी छवि बनती है, चिराग पासवान को लेके जनता जो है वो क्या राय रखती है, यही हम जानने आए हैं। तो ये राय तो दिखाएंगे और सुनाएंगे ही आपको, लेकिन उसके पहले चलिए जरा जो हाजीपुर की पहचान है उन सब से रूबरू कराते हैं और जरा घूमते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। और आज एक और खास बात है कि भैया हम हाजीपुर तो पहले भी आए हैं और पहले भी आपका बात करवाए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में घूमे थे। आज हम तय किए हैं ना कि जरा ग्रामीण क्षेत्र में घूमेंगे और जरा हमारी ग्रामीण जनता से बात करेंगे, ताकि हाजीपुर के हर तरह की जनता से जो है ना हमारा जो है वो रूबरू हो जाए, हम लोग रूबरू हो जाए। तो चलिए हम लोग भी होंगे और आपको भी करवाएंगे रूबरू, तो चलिए आइए। देखिए हाजीपुर जो है वो हॉट सीट माना जाता है ना, लेकिन सिर्फ राजनीतिक महत्व नहीं है इसका। हाजीपुर में कौनहरा घाट भी है, जहाँ पर इतना पौराणिक कथा वहाँ से जुड़ा हुआ है, गजग्रह का लड़ाई हुआ था जिसके बाद बाबा हरिहरनाथ निवास करते हैं सोनपुर में। हालांकि सोनपुर पड़ता है अब सारण में, सोनपुर में पड़ता है ना, लेकिन हरिहरनाथ मंदिर जो है वो सारण में चला गया। लेकिन हाजीपुर में अभी भी कौनहरा घाट है, और कौनहरा घाट का एक तो महत्व है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आइएगा तो खीरा ककड़ी तरबूज सब खाइएगा, लेकिन यहाँ पे जो केला का जो पौधा होता है और केला का जो पेड़ होता है और केला का जो खेती होता है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। माने यहाँ पर जो है ना देश विदेश में केला जाता है यहाँ से, और जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक जो है केला बागान है। और सबसे अच्छा बात जानते हैं हमको क्या लगा, कि बागान के बीचों बीच रोड ढलैया किया हुआ है ना, कि मैंने गाड़ी देखी वहीं पर गाड़ी लगवा दिए हैं और यहीं से नीचे उतर गए हैं केला के बगान जरा घूमने के लिए। भाई हाजीपुर आए अब बिना केला बगान घूमने चल जाएंगे तो फिर बढ़िया नहीं ना लगेगा। और देखिए कि बीचे बीच रोड दौड़ाया हुआ है, इतना हमको अच्छा लगा। और देखिए कि बिजली का तार भी जो है ना वो मैंने खेत खेत पहुँचा दिया गया है, और सुने हैं कि किसान लोग को इस पर सब्सिडी भी मिलता है। तो मैंने ये सब जो है सारा चीज़ जो है विकास के लिस्ट में ऐड होता है ना भाई। आ इसमें देखिए कि हमको याद आ रहा है कि 1977 में मैंने जब जीते थे रामविलास पासवान, पहली बार जब जीते थे और राजनीति में कदम रखे थे, उसी समय से उनका जो है ना यहाँ पे एक वर्चस्व भी माना जाता है, एक अपनापन भी जो है ना हाजीपुर के जनता से उनको खूब मिला। समझिए कि 1989 में हमको याद आ रहा है कि शायद 5,04,000 वोट से जीते थे और रिकॉर्ड कायम किए थे। समझ रहे हैं कि जिनके पिताजी जो हैं इतने यशस्वी अगर रहे हैं, और एनडीए ने जब उन पर भरोसा जताया है कि चिराग पासवान भी शायद वही इतिहास दोहराएं, रामविलास पासवान वाला ही इतिहास दोहराए, तो कुछ ना कुछ सोच ही के जो है वो उन पर भरोसा जताए होंगे। क्या है कि एनडीए के लिए भी जो है ना ये 2024 वाला पारी जो है वो बहुत खास होने वाला है। अब एगो भैया देखिए कि यहीं पर उनका झोपड़ी है, हमको लगता है कि यहीं से वो सारा अपना खेती मैनेज करते होंगे, तो जरा इनसे बात किया जाए और इनसे जाना जाए। क्या भैया क्या कर रहे हैं, चारा काट रहे हैं ना, चारा काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि केला का बगान घूमते हुए आए तो देखें कि वो झोपड़ी है, गाय भी है, तो हमको लगा कि शायद कोई आदमी भी जरूर होंगे यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर माने केला तो बड़ा प्रसिद्ध है जी जी। लेकिन एगो मतलब नेता भी जो है ना बड़ा प्रसिद्ध थे, अब तो स्वर्गवासी हो गए रामविलास पासवान है ना, अब उनके पुत्र आ रहे हैं हाजीपुर में, तो उनके पुत्र का यहाँ पर क्या लगता है कितना महत्व होगा? बहुत बढ़िया महत्व है, और उनके पुत्र काम करने वाले आदमी है और बहुत मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। रामविलास जी का काम किया हुआ है, उनके पिताजी का काम किया हुआ है, तो भारी मत से जीतना है। विकास का काम किए हैं तो जीतना तय है, इसमें कहीं लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे अगर हम रामविलास पासवान की बात करें तो देखिए कि यहाँ पे रेलवे का मुख्यालय बना, वो भी हाजीपुर को एकदम खास बना दिया, जोनल ऑफिस बना, उसके बाद तमाम तरह का जो विकास का चीज है ना, आप जो है इसको मिनी पटना अब कहा जाने लगा है, तो मिनी पटना ये ऐसे ही नहीं बना है, कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा मेहनत यहाँ पे रहा है, जिनका प्रतिफल जनता भी उनको देती रही,
और अब शायद आगे उनके पुत्र को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग हाजीपुर और घूमते हैं। कहे कि भाई केला के बगान में अभी दोपहरिया में कोई है नहीं, तो बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करेंगे। आइए घूमते नदी के किनारे तरबूज का जो खेत है वहाँ पहुँच गए। अभी तो तरबूज नहीं फला है लेकिन देखिए फूल लगा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? जड़ी में कीड़ा लगने के लिए। ओ अच्छा, मैंने जो सड़ल पौधा रहता है तो उसको काट के हटा देते हैं, पत्ता उत्ता जो रहता है। हाँ, जड़ी में कीड़ा ना लगे इसके लिए पेड़ को बांधा जाता है। हाँ, जड़ी का कुछ पत्ता काटा जाता है। हाँ, तो ये पूरा खेत आप ही का है? ये पूरा मैंने जहाँ तक नजर आ रहा है दूर दूर तक ना, बहुत आदमी का है। बहुत आदमी का है। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि अभी जो है लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो आप लोग जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं नदी के किनारे, खेती कर रहे हैं तरबूज का, आप हाजीपुर जो है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध भी है ना, तो आप लोग को जो है अभी देखिए आपके क्षेत्र से चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा खड़ा हुआ है, तो आप लोग को कितना उम्मीद है चिराग पासवान से? उम्मीद है, नया है, युवा है। हाँ, उम्मीद है, अब तो पुराने पर नहीं है। हाँ अच्छा, अभी देखिए युवा है लेकिन खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आशा होगा तभी ना कि हाँ खेती में है ना, उस साइड से सबता रहता है। हाँ है ना, तो अच्छा तो ये बताइए कि मान लीजिए किसानों के लिए क्या आपको लगता है कि जैसे युवाओं का तो बात करते हैं चिराग पासवान हमेशा, लेकिन अगर मान लीजिए जीतते हैं तो क्या लगता है कि किसानों के लिए भी उतना ही काम करेंगे? लगता है काम होगा। हाँ काम होगा, काम होगा है ना। चलिए भाई अब उम्मीद पर ही तो है। हाँ उम्मीद पर ही तो है। देखिए उनके पिताजी जो है यहाँ पर हाजीपुर में बहुत बड़ा बड़ा काम किए है ना, तो इसलिए भी लोग जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर मान लीजिए जितना पिताजी काम किए अगर उतना बेटा कर दे तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ बहुत बड़ी है ना। अच्छा इस बार क्या लगता है उनके जीतने का चांस कितना है? जीतने का चांस है, युवा है। हाँ। नया है और दूसरा यहाँ से नहीं है हाजीपुर से। हाँ। उनके चाचा जी पहले खड़ा होते थे। हाँ जैसे अभी तो उनके चाचा जी को टिकट नहीं मिला। हाँ तो अब उनको टिकट मिला है, तो उनसे कितना उम्मीद है? उम्मीद है बहुत है, युवा है। उम्मीद है ना। चलिए देखिए कि चेहरा भी नहीं है। हाँ। दूसरा चेहरा भी नहीं है। हाँ। और लोकप्रिय है। लोकप्रिय भी। हाँ सही। हाँ। बात है भाई, जब तरबूजा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर और हम लोग देखने आएंगे, लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जनता के बीच में चलते हैं। अब केला का बगान दिखा रहे थे तो बगले में सोचे कि तरबूजा भी जब दिख रहा है तभी दिखाते वहीं चले। आ चलिए चला जाए, यहाँ पे बड़ा धूप है। देखिए ऐसे ही ऐसे समय में जो है ना साड़ी पहनने का फायदा जो है महसूस होता है। चलिए आइए, सिस्टम बनाया हुआ है नदी से, अभी किनारे से तरबूज दिखा के आपको आ रहे थे तब देखे हैं इधर, तो हम बोले कि नहीं पहले बतिया लिया जाए और पहले इसको जरा दिखा दिया जाए कि भाई कहे भाई सारा गांव में जो है ना संदेश पहुंचना चाहिए कि गांव में जो है वो यहां पे चीज़ ऐसा चीज़ अगर बन जाए तो कितना गांव का फायदा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहीं पे भैया लोग बैठे हुए हैं चबूतरा पर, जरा इनसे बतियाया जाए। भाई हमारा बिहार के चबूतरा पर जो राजनीति जो होता है ना वहाँ कहीं नहीं होता है। यहाँ पे लोग जो है बोलता है कि चाय दुकान पर चाय पीते पीते जो है लोग राजनीति की बातें करते हैं, भाई उससे ज़्यादा राजनीति की बातें जो है ना हमारे गांव के चबूतरा पे होता है। चाचा ही बताइए कि इस बार जो है रामविलास पासवान के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से? हाजीपुर। हाँ देखिए चाचा को याद है, अब वोट चिराग पासवान के दिया जाएगा। हाँ हाँ सर, काहे अच्छा नेता हम लोग को बुझा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताऊं कि मैंने रामविलास पासवान तो यहाँ बहुत काम कलखिन है ना। हाँ। बहुत काम कलखिन है, तो उनका तो समझ में आवा है कि जैसे बहुत काम कलखिन है तो उनका लोग जनता उतना मैंने मानबो करके है ना, यहाँ के जनता मानबो करके, लेकिन जैसे चिराग पासवान तो उनका बेटा होती, तो उनका बेटा से कितना उम्मीद हो? उम्मीद है कि पहले से रामविलास पासवान नेतागिरी करलन तो अच्छा देश बनैलन, अपना हाजीपुर क्षेत्र में कारखाना भी खोलन। हाँ तो रेलवे मुख्यालय बना देते, इसलिए लड़ रहा है तो चुनाव में उन्हीं का वोट दिया जाएगा। हाँ अच्छा, चिराग पासवान देखूं कि भाई युवा नेता थी है ना, तो तनी बातों करथिन युवा नियन, मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमेशा बोला थी, लेकिन दूसरा तरफ विपक्ष भी तो है, विपक्षों तो मेहनत कर रही है। विपक्ष करेगा तो उनके जैसा थोड़े करेगा, जितना बाबूजी का किया हुआ है उसे ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। हाँ। है ना। अच्छा 1989 में तो सुने हैं कि रामविलास पासवान रिकॉर्ड बना दिए थे। हाँ, 5,04,000 वोट जो है ला के रिकॉर्ड बना दिए थे, देश में रिकॉर्ड बन गया, देश में रिकॉर्ड बन गया था कि इतना वोट से मैंने कोई आदमी नहीं आज तक जीता था, वैसा वो काम कर दिए, तो वैसा ही इनको भी दिया जाएगा। हाँ उनका बेटा से कितना उम्मीद है भैया?
बहुत अच्छा उम्मीद है। उम्मीद है हाँ। अच्छा ये बताइए कि मैंने आप लोग युवा हैं जैसे अभी पढ़ाई लिखाई करते होंगे फिर नौकरी लीजिएगा तो जैसे नौकरी उकरी देने के मामले में चिराग पासवान से उम्मीद किया जा सकता है कि युवाओं को भी अच्छा देखिए यहाँ के राजनीति का जो है एक अपना परिदृश्य है कि यहाँ पर तनी ठेक जाता है सारनो ठेक जाता है ना आ तनी कुछ है कुछ गढ़ जो है पड़ जाता है आरजेडीओ के हम हवाले में है ना तो आरजेडीओ का भी कुछ ना कुछ जरूर पकड़ होगा तो एक तरफ आरजेडीओ है या दूसरा तरफ एनडीए भाई भरोसा जताए हैं चिराग पासवान पर तो बड़ा रिसर्च करके जताए होंगे कहे कि उनके पिताजी का गढ़ है तो इस बार क्या लगता है टक्कर ऐसा होगा कि नहीं होगा हाजीपुर में? यहाँ कोई टक्कर नहीं है हाँ। जो रामविलास जी यहाँ जो एक अमिट छाप छोड़े हैं हाजीपुर की जनता के लिए हाँ। और यहाँ कोई टक्कर का कोई सवाल ही नहीं बनता है हाँ। और जो युवा नेता है चिराग जी हाँ। अभी वो विकास की रफ्तार मतलब पीछे भी उनका प्रति काम हुआ है और आगे भी इनका जो हम लोग का दिख रहा है विजन आगे दिख रहा है हाँ। तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे हाँ। तो यहाँ कोई टक्कर उक्कर नहीं है चिराग जी भारी मोहम्मद से यहाँ से जीतेंगे। अच्छा देखिए हम पिता पुत्र के राजनीति का बात बता रहे थे और ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है इस पे नजर पड़ा और हमारे साथ एक भैया हमारे सहयोगी में जो रहते हैं दीपक जी तो वो हमको बताए कि यहाँ पर लोग मनौती मांगते हैं संतान के लिए ना भैया ऐसा ही ना मनौती मांगते हैं तो बनवाते हैं संतान के लिए कोई हाँ। रोजगार के लिए पैसा भेजता और मनौती हाँ। के मनौती मांगल जाएंगे है ना। अच्छा ये बताऊँ की चिराग पासवान भाई बड़ी मनौती मांगले होते है ना जीते के ला बड़ा मनौती मांगले ना अपना गांव में अपन देहात में आदमी हाँ। मन जैसे वो मान ले होती ना कि हमरो जनता जो है हुआ से जीता देवे हाँ। उनका जीते के चांस है यहाँ बिल्कुल करेंगे बहुत विश्वास है कि उनका है कि भाई उनके पिताजी बहुत बड़का बड़का काम किए 100% उनको पूरा चांस है कि मिलने की उम्मीद है हाँ। पूरा जनता उनसे सहमत है हाँ। पूरा सहयोग में है हाँ। अब आदमी लगे हुए हैं हाँ। उनसे मैंने काम का उम्मीद है कि अगर जीतेंगे तो हाँ, काम करेंगे पहले भी उनका काम मजबूत था अच्छा मान लीजिए जिस समय वो जैसे अपने तो पिताजी के साथ भी सुने हैं कि यहाँ खूब घूमे पिताजी की यहाँ तो उनका इतना लगाव कि घर घर का बच्चा छोटा छोटा बच्चा जानने लगा था हाँ। रामविलास पासवान क्या है हाँ। उनका धीरे धीरे उनका बेटा कभी जान गया पूरा आदमी हाँ। लगने पर बुद्धि अगला के खुला है तब 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 सही बात है सही बात बात पर उनको बहुत आदमी निकाली चाहने लगा है हाँ, हाँ। भगवान करे कि भारी महत्व से जीते हाँ। आप लोग भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं ना वाह वाह बहुत बढ़िया बात है भाई देखिए कि उनके पिताजी का हम लोग बात करते हैं तो उनके पिताजी देखिए भैया लेकिन एक जो हमको मेरे समझ से जो लगता है कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं एगो जो इंडिया अलायंस बना है तो वो भी बड़ा तैयारी किए हुए हैं है ना वो भी जो है बड़ा सोच समझ के उम्मीदवार उतार रहा है इधर एनडीए का भी अपना है तो ये दोनों के टक्कर में क्या लगता है कि एनडीए अलायंस यहाँ से टक्कर देने का कोशिश नहीं कर एनडीए अलायंस जो है वो यहाँ से टक्कर देने का कोशिश नहीं करेगा कुछ कोशिश नहीं है यहाँ से वो लोग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं हाँ। और जो यहाँ से अच्छा राजा चाहे जो हाँ। जो व्यक्ति विकास करने वाला है हाँ। वो लोग अपना एक इंडी अलायंस बना करके चाह रहे हैं कि हाँ। जो विकास पुरुष है उसको यहाँ से हाँ। ध्वस्त किया जाए लेकिन उनका कहीं यहाँ इंडी अलायंस का नाम नो निशान नहीं है हाँ। यहाँ से फिर अपना एनडीए ही जीतेगी और यहाँ से जो हाजीपुर से चुनाव है वो चिराग पासवान भारी बहुमत से रिकॉर्ड बनाएंगे रिकॉर्ड तो इस बार बनेगी चुनाव हाँ। जीतेंगे। देखिए आपको याद होगा कि एक बार और हम हाजीपुर में जो है वो घूमने आए थे और चिराग पासवान पे बात किए थे लेकिन वो हाजीपुर शहर में घूमे थे लेकिन हम सोचे भाई कि हाजीपुर जो है वो अपने अलग अलग तरह का जो केला का खेती हो गया तरबूज का खेती हो गया तो उसके लिए भी जाना जाता है तो इस बार जो है जब हम कभी भी हम सोचे हुए थे कि फिलहाल चलिए बाजार जरा घूमा जाए यहाँ का जो ग्रामीण बाजार है वो भी आपको दिखाते हैं आप वहाँ पर भी जरा लोगों से बतियाते हैं आइए भाई हाजीपुर में जब घूम ही रहे हैं तो तमाम तरह के जितने भी तरह के लोग हैं जितनी भी तरह की जनता है उन सब से बात कर रहे हैं और उन सब से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया रामविलास पासवान के लिए जो है ये क्षेत्र तो अपना घर था है ना और यहाँ के लोग भी जो है उनको कभी पराया नहीं समझे घर ही वाला समझे लेकिन अब उनके बेटा आए हैं मैदान में और सामने में है आरजेडी है ना आरजेडी भी भाई कम तैयारी नहीं किए हुए वो भी तैयारी किए हुए इंडिया अलायंस जब से बना है भाई यहाँ का कमान संभाले हुए हैं तो यहाँ पे भी भरपूर तैयारी है तो दोनों तरफ तैयारी है इस बीच में चिराग पासवान को लेके जनता क्या मन बना रही है? देखिए माननीय रामविलास जी हाजीपुर को अपना घर मानते थे हाँ। और यहाँ के जनता को अपना परिवार मानते थे
इसी के लिए पीछे की बात है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाजीपुर को जो भी दिए उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक ना। तो उनके ठीक आज नहीं है, उनके जगह पर चिराग जी आए हैं, वो भी बोलते हैं कि मेरा परिवार है हाजीपुर, मेरा घर है हाजीपुर, तो हम लोग का सपोर्ट उनके साथ एकदम पूरा है। अच्छा बिल्कुल, देखिए कि भैया बोले ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाजीपुर में जगह जगह उनका छाप दिखता है ना। अब उनके बेटा से कितना उम्मीद किया जा सकता है? उनको तो पूरा सपोर्ट है यहाँ से, पूरा हाजीपुर से। इस बार तो रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, रामविलास जी से ज्यादा वोट से जीतेंगे। 1989 में तो रामविलास पासवान भी जो है वो पूरे देश में रिकॉर्ड बनाए थे, मतलब 5,04,000 वोट से जो है वो जीते थे और रिकॉर्ड बना लिए थे। नीचे मतलब चिराग पासवान भी रिकॉर्ड बना रहे हैं नीचे, क्योंकि देखिए जनता को माने कि जो भी मुसीबत में इस बार पर जो पड़ रहा है, मान ली बहुत हत्याकांड हो गया, माने कि गोलियां चल लगा हुआ है लगा, तो वो जितना चिराग पासवान हो गया तो वो समय निकाल के पहुंचे जनता के द्वारा कि किस प्रकार से गोली लगाया गया, माने कि किस प्रकार से जनता मुसीबत में है, वो देखा गया कि हाँ यहाँ पे क्या सुरक्षा मिला जाए। हाल ही में कुछ दिन पे यहाँ पे मेरे हरोली भट्टी चौक पे गोली लगा था, तो चिराग भैया को पता चला था, तो वहाँ यहाँ पे आए थे, तो उनसे ये और क्या चाहिए हम लोगों को? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए जनता, जैसा हम बोले ना आपको कि जनता को बस इतना ही चाहिए कि नेता थोड़ा काम भी कर दे, केंद्र का जो योजना है जिसका प्रतिनिधित्व वो कर रहा है तो उनका योजना का लाभ भी पहुंचा दे, और थोड़ा जो अपनापन से जब जैसे जीतते हैं तो कैसे कहते हैं कि हम ही तोर भैया, हम ही तोर मैंने तोर बेटा ही हो, तोर भैया ही हो कह के जीत लेते हैं, लेकिन बेटा भाई बन के रह नहीं पाता है। तो जो नेता बेटा और भाई बन के रह गया, अब देखिए कि चिराग पासवान नहीं बोले, चिराग भैया बोले, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है अपना तो एक महसूस करते हैं, जिस तरह से रामविलास पासवान जी के लिए था उसी तरह से चिराग पासवान के लिए भी अपना तो महसूस कर रहे हैं। अब इसका फायदा कितना चिराग पासवान को मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चलिए और लोगों से बतियाते हैं। इधर और लोग हैं, आइए। वोट देगा आप लोग दीजिएगा? हाँ जी। तो मैंने उनको लेके पॉजिटिव है इसलिए कि मैंने ऐसी ही ऐसी। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी जो योजना बनाते हैं तो वो पहुंचता है आप लोग तक? पहुंचवे करते हैं, देवे करते हैं, मिलता है काम भर, योजना का लाभ मिलता है। हाँ। आवास वास वाला मिला? हाँ। मिला है नहीं? चलिए देखिए बड़ी अच्छी बात है भाई। गांव तक हम क्या बोले कि जन प्रतिनिधि का काम है गांव तक जो है वो जितना फायदा पहुंच सकता है उसको। भाई इधर इन्हें आइए ना, इन्हें आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको हम देखे कि आप बाइक से जा रहे थे लेकिन रुके हैं हमसे बढ़िया। इसी जगह रुकना था। अच्छा अच्छा इंतजार। अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र से रामविलास पासवान जी के बेटा जो हैं अब फिर से मैदान में उतर रहे हैं ना, उन पहले उनके पिताजी थे अब उनके बेटा उतर रहे हैं, तो पिताजी को तो बहुत सम्मान मिला हाजीपुर क्षेत्र से, लेकिन बेटा को लेके क्या लगता है, बेटा को लेके कितना मामला होगा? बढ़िया करना चाहिए उनको, क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं। हाँ। तो जनसमर्थन यहाँ है उनका, जनसमर्थन है। हाँ, यहाँ पे जनसमर्थन उनका है, चाहे चिराग पासवान है चाहे कोई भी हो। हाँ। काम होना चाहिए, जैसे काम होने के लिए पहला बार में तो किसी को जिताया जाता है ना, जिताने के लिए तो हर बार हम लोग देखिए रहे कि हर लोग जीतिए रहा है। हाँ। जो जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि रामविलास पासवान जी जब जीते थे तो भारी मत से आप लोग जितवाए थे, तो उन जब जीते थे तो बहुत काम किए थे। काम किए तो अभी वही रेलवे उलवे का जो हरौली ऐसा क्षेत्र में है। हाँ। तो अभी उन्हीं का देन है कि चल रहा है। रोड तो देखिए आप लोग का एकदम पकिया बन गया, रोड का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? फायदा तो है, हम रोड बनने से फायदा तो है कि है ना, गाड़ी चलाते हैं आप लोग, तब तो आप लोग समझिए कि तो बहुत बढ़िया काम हो गया है ना। देखते हैं तो देखते आइए रहे हैं ना। उनका बेटा के क्या लगा है? जीता थिन देवा ही करवा यार कथी का देवो वोटे वोट देवो। अच्छा ये बताओ जाते भाई के ना जीता है? हां भाई जाती देखे तो नहीं वोट देवो, जाती के बात एगो ना रहा ऐसे ना बोले। हां मैंने काम वो करा थिन। अच्छा अच्छा ये बताऊं कि मान लीजिए मोदी जी काम कर रहा थीन तो ऊ लाभ पहुँचो यहाँ तक? हाँ, हाँ। हो इंदिरा आवास उवास बन लो तू लोग के? हाँ, बनल हो भाई तो बड़ा अच्छा। ना ना झूठ काहे बोलूं, यहाँ कोनो हाँ बनल है अगुआ बर तुहार आल है कि ओकरा ले झूठ बोलता है? ना बनल है, मिलल है। मिलल? हाँ। तो अब तोनी सब के चाची फायदा मिलो हो? सरकार जी योजना सब बनाबा है उसको फायदा मिला। हाँ। बाबू इधर आ, जरा इधर आ, देखिए देखिए बच्ची सब कितना प्यारा शर्मा रही है, लेकिन देखिए स्कूल ड्रेस पहन के कितना बढ़िया से, देखिए बच्ची सब स्कूल ड्रेस पहन के जब जाती है ना स्कूल इतना अच्छा लगता है, स्कूल से आ रहा है बाबू। हाँ वाह वाह वाह, पढ़ने में मन लगता है।
अच्छा ये बताइए बाबू कि अब स्कूल में पढ़ाई उढ़ाई हो रहा है पहले के अपेक्षा अभी? पहले से सुधार हुआ है? ड्रेस उड़ेस के पैसा मिलता है? मिलता है ड्रेस के पैसा मिलता है? 3500 आए 3500 ना? हाँ 3500 मिलता है। खाना खिलाते हैं? हाँ अच्छा स्कूल में देखिए कितना अच्छा खिलाई वाला है। गांव कस्बा तक भी जो है महिलाएं देखिए कि काम उम भी कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं। देखिए असली फेमिनिज्म इसको कहा जाता है, जो फिल्म में जो गलत तरीके से जो फेमिनिज्म का प्रचार होता है उसके चक्कर में नहीं रही है। असली फेमिनिज्म यही है कि देखिए ये लोग घर भी संभाल रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, अपनी बेटी को भी देखिए आगे बढ़ा रही हैं, इसी को असली फेमिनिज्म माना जाता है। चाची काम हो रहा नहीं है? काम कथी होते हमारा सबके, हम सब बैठल बैठल काम कथी हो? मैंने जैसे सरकार उनका की योजना के फायदा मिला हुआ सरकार वोट रखी गया तो सब कैसे हमारे वोट तो कथी सरकार काम न कर कथी कर घर खोपड़ी के घर है खोपड़ी के तब कथी तो इंद्रावास वाला ना बनल ना हमारा सबके ना बनल अप्लाई ना कलू है नाम ना लिखवाल है लिखे अलख तो अहाँ सबके ना लिख अभी ना होल झोपड़ी के घर के बना देते जैसे देखू एक बार में जो है ना इंद्रावास के भी नियम है कि एक बार में लिस्ट बना है तो पहले उन लोग के बन जाए फिर लिस्ट बना है तो फिर उन लोग के बना है तो ये सब जो है अलग अलग तरीका है जो काम करे का तरीका है। आइए भैया लोग देखिए बतियाते बतियाते देखे तो भैया में भी घर से सब लोग निकल के आ गए हम लोग बतियाने के लिए। आइए उनसे बतिया जाए का भैया काम हो रहा नहीं है? हाँ हो रहा है। अच्छा सरकार के काम यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं? हो रहा है तनी पहुँचबे करता है थोड़ा मोड़ा पहुँचता है तनी कट जाता है तनी पहुँच जाता है ना है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान इस बार खड़ा हो रहे हैं आपके क्षेत्र से? चिराग पासवान खड़ा हो रहे हैं तो उनके पिताजी को तो आप लोग बहुत सम्मान दिए है ना, तो बेटा का लेके क्या मन बना रहे हैं? देंगे वो के भी खड़ा तो देंगे। आरजेडी के? आरजेडी के लालू यादव की जो पार्टी है उसका छोड़ लेना का भैया का मन बन रहा है लोकसभा चुनाव? इनका चिराग पासवान जीता चिराग पासवान के जैसे उनका बाबूजी का जीत रही उनका बाबूजी के तो बड़ा इज्जत मिल रही हाजीपुर से है ना। हाजीपुर के जनता जो है रिकॉर्ड से जीता इन करोड़ करोड़ से उम्मीद है की जीतेंगे जैसा लोग जनता के मूवमेंट है। तू लोग के तो मैंने अभी तक देखिए कि हम दो तीन जगह घूमे है ना, दो तीनों जगह वही जो है उस तरह का रिस्पॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अच्छा ये बताइए चाचा कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हीं के सहयोगी के रूप में है अभी, तो नरेंद्र मोदी की योजना के लाभ यहाँ तक पहुँचता है कि जी पहुँचता है? ऐसा नहीं ना कि टीवी प्रचार हो रहा है? पहुँचा। अच्छा तू लोग किसान हो? जी किसान हो। तो किसान के कितना फायदा हो रहा है? किसान के अब जेकर जेकर क्रेडिट कार्ड जो बनल है उहे लोग के मिलता है, सबके थोड़े मिले सबके क्रेडिट कार्ड बनल है उहे लोग के। एगो कौन सी तो योजना आयले है किसान सम्मान निधि उ सब मिला हुआ? बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी कि सरकार के तरफ से योजना बन के चला आता है लेकिन यहाँ जो छोटा बाबू बड़ा बाबू मंझला बाबू संझला बाबू जो रहते हैं वही सब फंसा के रख देते हैं मामला। हाँ रास्ते में रह जाए है ना, टेम्पू पकड़ा वहाँ से रास्ते में रह जाए तो वही बात है भैया। इस बार चिराग पासवान को लेकर क्या मन बना रहे हैं? मन बना रहे कि जिताएंगे। मन बना रहे कि जिताएंगे आरजेडी के तरफ से? आरजेडी के नहीं जिताएंगे। क्या है वो? अच्छा ये नहीं बिहारी फर्स्ट। हाँ फर्स्ट बिहारी फर्स्ट याद किए हुए हैं तो नारा याद किए हुए हैं एकदम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हाँ अब क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जो है सही में बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे? वो तो लग ही रहा है, जो जो हिसाब से काम कर रहे हैं हिसाब से लग ही रहा है कि जो बच्चा युवा को भी संबोधित कर रहे हैं और बूढ़ा को भी टोटल के संबोधित कर रहे हैं। हाँ भाई युवाओं पर लेकिन कुछ खास ध्यान देते हैं वो, युवाओं को कुछ खास ध्यान देता है जो है कि युवाओं को हम आगे बढ़ा दोस्तों की तरह मानते हैं और आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। बिल्कुल बिल्कुल माने आरजेडी के तरफ से भैया वो सब तो तैयारी कर ले थी तो उस सबके तैयारी का फायदा मिल ना फायदा मिल ही नहीं रहा है कि हमको सकता कर रहे हैं रामविलास रामविलास का तो खैर बात ही नहीं किया जा सकता। रामविलास तो खैर उनको
लोग यहाँ पे बहुत सम्मान दिए है कि नहीं, लोग उनका कितना सम्मान दिए हैं कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए जैसे ही बात आता, भैया ए भैया तो नहीं आवे ना आवो ने ये बताऊँ कि चिराग पासवान खड़ा हो रहा तो के क्षेत्र से एने घूम जा तेरे कैमरा में घूम जा नजार रहा थी बताऊँ यहाँ चिराग पासवान खड़ा हो रहा तोनी के क्षेत्र से। चिराग पासवान का वोट मिलेगा और दूसरा का थोड़ी मिलेगा। आरजेडी के? आरजेडी कोई के नहीं मिलेगा। आरजेडी के? आरजेडी के नहीं मिलेगा। आरजेडी तो तैयारी कर रही है। चोर है ऐसे ना बोले के, ऐसे ना बोले के, चोर का है बोले के, चोर बोले के हक हमनी के का है। चिराग पासवान के देंगे बस उनका राह ही जिताएंगे। अच्छा ये बताओ कि नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है ना, एगो ठीक है एगो अच्छा है एगो खैर देखिए चाचा ये बताइए कि माने केंद्र में जो योजना बनता है उसका लाभ यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? आप लोग तक बीचे में रह जाता है, बीचे में रह जाता है, कुछ नहीं पहुँचता, कुछ नहीं। बड़ा बाबू बैठेंगे, छोटा बाबू बैठेंगे, मिलेगा मिलेगा, मिलते मिलते में गायब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो चिराग पासवान का जो बात चल रहा है कि चिराग पासवान पे भरोसा करता है कि नहीं हाजीपुर का लोग? हाजीपुर का क्षेत्र से उनका भरोसा बहुत है, बहुत है, बहुत। जितना पिताजी का पिताजी पर भरोसा था उतना ही बेटा उनको पर भरोसा हम लोग का है। देखिए तो यही भरोसा जो है ना जनता का, जैसे कि हम क्या बताएं कि हाजीपुर जो क्षेत्र है वो जन जन का क्षेत्र है, हर तरह की जनता का क्षेत्र है और हर तरह की जनता के बीच में उनके दिल में जो है जगह जो बनाएगा वही उम्मीदवार जीत के जाएगा और वही उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं एक बिहार की राजनीति में अहम स्थान बनाएगा, लोकसभा चुनाव में अहम स्थान बनाएगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, ये था हमारा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र और खासकर उसका पूरा ग्रामीण परिवेश। और उस दिन शहरी परिवेश दिखाए थे, आज ग्रामीण परिवेश दिखाए भाई, क्योंकि ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ का बहुत बड़ा पहचान रहा है और जो पहचान रहा है वो सब दिखाने का कोशिश किए हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर आएंगे वापस और फिर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय।